तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक नया यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है 100% सही तरीका से, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अपने चैनल पर काम कर रहे होंगे, उस पर वीडियो अपलोड कर रहे होंगे, लेकिन आपके वीडियो ना तो यूट्यूब सर्च में जाता होगा, ना ही आपके वीडियो पर अच्छा व्यूज आता होगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सब गलत तरीके से अपने चैनल को क्रिएट किए थे बनाने के समय में। आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि 100% सही तरीका से आप कैसे एक नया यूट्यूब चैनल बना सकते हैं अच्छे सेटिंग के साथ, जिससे कि वीडियो YouTube के एल्गोरिथम में जाए और आपके वीडियो पर व्यूज आ सके। अगर आप एक नया YouTube चैनल ओपन करना चाहते हैं या फिर पहले से आप कोई और चैनल पर काम कर रहे हैं, तो अगर आपको न्यू चैनल बनाने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए शुरू से लेकर के लास्ट तक। एक न्यू चैनल पर जो जो सेटिंग करना होता है क्रोम ब्राउजर में, यूट्यूब एप्लीकेशन में, सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं एक नया यूट्यूब चैनल ओपन करना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, आप भी एक नया यूट्यूब चैनल ओपन कर पाएंगे सक्सेसफुली। अगर आपके पास पहले से कोई जीमेल अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो सबसे पहले जाकर के जीमेल अकाउंट एक बना लीजिए, जो कि बहुत ही आसान है। जीमेल अकाउंट में जाना है, अपना नाम एड्रेस ये सब करके अपने नाम से या फिर किसी के भी नाम से एक जीमेल अकाउंट बना लीजिएगा। जब जीमेल अकाउंट बन जाएगा गूगल से वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो जो प्रोफाइल वाला फोटो है वहाँ पर जाइएगा तो वो जीमेल अकाउंट शो कर देगा। तो जिस जीमेल से आप चैनल बनाना चाहते हैं तो उस जीमेल को सेट करके मतलब यूट्यूब में लॉगिन कर लीजिएगा, या फिर अगर पहले से कोई जीमेल अकाउंट बना हुआ तो यूट्यूब में लॉगिन होगा। जो भी जीमेल अकाउंट से आप चैनल बनाना चाहते हैं उसको यूट्यूब में लॉगिन कर लीजिएगा, इस तरीके से शो होगा। उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करना है, जो आपको अपने चैनल का नाम रखना है वहाँ पर नाम लिख देना है। उसके नीचे में हैंडल होगा, मतलब कि जैसे इंस्टाग्राम आईडी का हैंडल होता है उसी तरीके से आपके चैनल का हैंडल होगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जो आपके चैनल का नाम होगा उसी तरीके से यहाँ पर उसका हैंडल भी रख लीजिएगा। अगर आपको यूट्यूब चैनल का हैंडल सेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको समझ जाना है कि पहले से उस नाम से मतलब कोई और चैनल क्रिएट हो गया है, तो आपको दूसरा नाम से अपना चैनल बनाना है। उसके बाद होता है डिस्क्रिप्शन, या उसको अबाउट भी बोल सकते हैं यूट्यूब का, जहाँ पर आप अपने चैनल के बारे में बता सकते हैं कि इस चैनल पर हम किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे, अपने मतलब कि बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का दे दीजिएगा। उसके बाद सेव कर दीजिएगा। यहाँ से कैमरा वाला आइकन पर क्लिक करके अपने चैनल का प्रोफाइल फोटो लगा सकते हैं, साइड में जो है बैनर उसको भी यहाँ पर सेट करके लगा सकते हैं। तो सिंपली ये सब तरीका है, नाम, हैंडल, डिस्क्रिप्शन, अबाउट और अपने प्रोफाइल फोटो लगा लीजिएगा और बैनर लगा दीजिएगा। इतना सारा कुछ कर लेने के बाद आपका एक चैनल क्रिएट हो गया। अब आपका एक यूट्यूब चैनल बन गया है यूट्यूब पर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करना होता है, जैसे कि आपका वीडियो यूट्यूब के एल्गोरिथम में जाए, आपका मतलब वीडियो किस ऑडियंस को दिखाना है जो यूट्यूब को बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो क्रोम ब्राउजर होता है उसमें जाकर के अपने चैनल को लॉगिन करना है। उसके लिए यहाँ पर जाकर के सर्च करेंगे बायटी स्टूडियो लॉगिन, तो सिंपली से उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप में अपने चैनल को लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही आपका यूट्यूब चैनल नया वाला इस तरीके से लॉगिन होगा क्रोम ब्राउजर में, तो मतलब कि इस तरीके से शो होगा। यहाँ पर एक नया यूट्यूब चैनल है तो इसमें सब कुछ जीरो दिखाएगा, कोई भी एनालिटिक्स नहीं होगा, जीरो सब्सक्राइबर, जीरो व्यू। तो इसमें इंपॉर्टेंट सेटिंग करने के लिए सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक कोना में सेटिंग का ऑप्शन होगा, उस सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से शो होगा। यहाँ पर आपको अपने चैनल का कंट्री सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ से वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। तो हम सिंपली इंडिया से हैं तो इंडिया सिलेक्ट करके सेव कर दें। जैसे ही अपने चैनल का कंट्री सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है चैनल का कीवर्ड। इसी से तो यूट्यूब को पता चलता है कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, किस कैटेगरी पर काम करेंगे। तो यहाँ पर जाकर के अपने चैनल का टॉपिक भी सिलेक्ट करना होता है, कीवर्ड लगाना होता है कुछ, जिससे कि आपका चैनल का नाम लगा दीजिएगा। आप जिस रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, जैसे कि कोई कॉमेडी बनाएगा तो कॉमेडी लिखेगा, फनी वीडियो लिखेगा, डांस वीडियो लिखेगा, जो भी हो इंटरटेनमेंट लिखेगा। अगर कोई ब्लॉगिंग वीडियो बनाएगा तो ब्लॉग लिखेगा, विलेज ब्लॉग लिखेगा, लव ब्लॉग लिखेगा। जो भी मतलब आप वीडियो बनाना चाहते हैं उस तरीके का कीवर्ड लगा देना है, जैसे कि वीडियो में टैग लगाते हैं उसी तरीके से आपको कुछ कीवर्ड लगा देना है अपने चैनल के हिसाब। उसके बाद आपको चैनल का कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि बहुत सारा कैटेगरी होता है, साइंस एंड टेक, एजुकेशनल और भी बहुत सारा होता है, म्यूजिक, पीपल एंड ब्लॉग्स। तो जो भी आपका कैटेगरी है, अगर कोई पढ़ाता है तो एजुकेशनल डालेगा, कुछ बताता है तो एजुकेशनल डालेगा, अगर कोई कॉमेडी करता है तो उसमें इंटरटेनमेंट डालेगा, ब्लॉगिंग वाला है जो इंटरटेनमेंट डालेगा। तो अपने हिसाब से चैनल का कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा, कैटेगरी हो जाएगा, चैनल कीवर्ड हो जाएगा,
आप कहाँ से वीडियो को अपलोड करते हैं वो इंडिया सिलेक्ट कर लीजिएगा, अपने कंट्री का नाम। उसके बाद आता है वीडियो लैंग्वेज, आप जिस भी लैंग्वेज में वीडियो बनाते हैं वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिंपली से हम यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर पंजाबी में भाषा में बनाते होंगे वीडियो तो पंजाबी सिलेक्ट कर लीजिएगा, तेलुगु सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी भाषा में आप वीडियो बनाएंगे वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है वीडियो कौन ऑडियंस को आप दिखाना चाहते हैं। अगर बच्चा के लिए कंटेंट बनाते हैं तो यस मेड फॉर किड कर लीजिएगा, और बच्चा के लिए कंटेंट नहीं है तो नो मेड फॉर किड कर लीजिएगा। उसके बाद आता है जो अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना पड़ता है, यहाँ पर देख ही सकते हैं ये तीन ऑप्शन है वेरिफिकेशन का। जब इसको मोबाइल नंबर डाल के OTP को सबमिट कर दीजिएगा तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, इससे आपका यूट्यूब चैनल वेरीफाई हो जाता है। और आप वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें थंबनेल लगा सकते हैं, और भी एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल जाता है मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेने के बाद। इतना सारा कुछ कर लेने के बाद आपका चैनल एक अच्छे सेटिंग के साथ बन करके तैयार हो गया है। अगर कोई आप पहले से पुराना चैनल पर काम करते होंगे, ये सब सेटिंग नहीं किए होंगे तो जा करके कर लीजिएगा। जब ये सारा सेटिंग आप कर लीजिएगा तो आपका चैनल एक सक्सेसफुली बन चुका है वीडियो अपलोड करने के लिए। मोबाइल नंबर ये सब वेरीफाई कर लेने के बाद आपको फिर हर रोज़ वीडियो अपलोड करना है। उसको अच्छे से अपलोड करने के लिए आपको नहीं आता है कि कैसे उसका टाइटल लिखना है, कैसे डिस्क्रिप्शन लगाना है, कैसे टैग लगाना है, तो ये वीडियो का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, ये वाला चैनल पर जाकर के वीडियो देख लीजिए। उसमें आपको बता दिया गया है कि एक नया वीडियो को अपलोड किस तरीके से यूट्यूब पर किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एक सक्सेसफुली यूट्यूब चैनल बनाने आप सीख गए होंगे। तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।